हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। सो गाइज, अभी जो है मैं घर पे आ गई हूँ, और घर पे ही आकर मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी मैं एकदम ठीक हूँ, और आप लोगों की दुआएं साथ में रही हैं, बस यही चीज़ चाहिए थी मुझे। तो बस यहाँ पे जो है अभी मुझे जो है रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, और बस यहाँ पे अभी भाभी भी खड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ में आप लोगों को जो है ना बेबी की आवाज़ भी आ रही होगी रोने की, क्योंकि उनकी नानी जो है उनकी मालिश कर रही हैं। तो बस जब तक वो मालिश कर रही हैं तो बच्चे देखो मालिश करते मैं रोते ही हैं, और बस तब तक मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ साथ में। तो अभी देख ही रहे होगे ना आप लोग कि मैं अभी जो है बिल्कुल होश में ही नहीं हूँ, मैं अभी बेहोशी में। मैं आंखें तो खोल रही हूँ लेकिन मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे ही बोली जा रही हूँ, कुछ भी पानी भर लेना, कुछ कर लेना, मतलब ऐसे ही बोली जा रही हूँ। बस यहाँ पे जो है ना उनकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा को सबसे पहले जो है खबर दे दी थी कि भाई बेबी हो गया है, आ गया है। तो बस इसी वजह से जो है वो लोग भी निकल आए थे घर से, और बस यहाँ पे ये देखो दोनों की खुशी उनके फेस से ही जाहिर हो रही है। तो बड़ी अम्मी और बड़े पापा जो है ना बहुत खुश थे, और बस यहाँ पे अभी उन्होंने बेबी को लिया है अपनी गोद में, और वो बहुत खुश थे, बहुत क्यूट है बोल रहे थे। और बस यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है। तो क्योंकि ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बुलबुल छुपा रही है, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी जो मेरे ऊपर बनाई गई हैं कि बुलबुल लाइफ स्टाइल के बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। तो उसमें काफ़ी मतलब गलत बोल रहे हैं लोग बात, तो वो चीज़ तो बहुत सारी वीडियो ऐसी बनी मेरे ऊपर मतलब कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, तो उस तरीके से। लेकिन मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्लियरली, क्योंकि मैं कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहती हूँ, मैं तो खुद ही बताना चाहती हूँ। तो हमारे घर में हाँ बेटी हुई है, और बस आप लोगों की दुआएं रही हैं जो कि सब कुछ खैरियत से हो गया है। तो ऐसा कोई मकसद था ही नहीं मेरा कि मैं सस्पेंस रखूंगी, और इसमें ही कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है। ये चीज़ तो खुशी वाली बात होती है कि भाई अल्लाह के करम से जो है हमारे घर में रहमत आई है हमारे घर में अल्लाह की। तो बस यहाँ पे अभी बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि ना वीडियोस काफ़ी सारी बन रही हैं और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं कोई छुपाना चाह रही हूँ, ये कोई छुपाने वाली बात होती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी खाना बन रहा है भाई। हाय गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता दूं। जैसे कि अगर मैं घर में अकेली होती हूँ ना, तो मैं गेम्स खेलना पसंद करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे, और गेम खेल करके हम कुछ पैसे भी कमा लें, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। तो विंजो ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप जो है गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो ऐप पर गेम खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत सारे गेम है यहाँ पे, 100 से ज़्यादा एक्साइटिंग गेम है, जैसे कि क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नैक रस, जैसे स्किल्स वैसे गेम्स को खेलिए और जीतिए लाखों के इनाम, और आप इसको जो है विड्रॉ भी करा सकते हैं डायरेक्ट पेटीएम, यूपीआई, बैंक में भी। सो गेम के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि विंजो ऐप पर जो है यहाँ पे एसफल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और यहाँ पर जो है बिग बाजार, डोमिनोज, हॉटस्टार, मैंत्रा, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट्स, कूपन्स भी मिलते हैं। तो रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स दस रोजाना। दिन लगातार स्पिन ट्रिक बनाओ और जीतो लाखों के इनाम, बाइक, स्मार्टफोन्स और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख रुपीज, और कितना बताओ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, और आप भी एक्सपीरियंस करो, गेम खेलो।
यहाँ पे भैया और बाजी जो है ना मिठाई लेकर के आए थे रात में, तो बस यहाँ पे जो है ना हस्बैंड मुंह मीठा करा रहे हैं क्योंकि रात में नहीं हो पाया था, सैनिटाइजर नहीं था हमारे पास में, और बस इसी वजह से। तो आप सब लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए क्योंकि बेटी के आने की खुशी बहुत ज्यादा है। मेरा तो मन ये कर रहा है कि आप सबके घर भी मिठाई भेजूं, आप सबका मुंह मीठा कराऊं, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देख रहे हो, आप तक मिठाई तो पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना। तो बस इसीलिए आप लोग भी कुछ बना करके अपना मुंह मीठा कर लेना। तो आप लोग भी मेरी बेटी को दुआएं दीजिएगा काफ़ी सारी, अल्लाह ताला उसके नसीब बुलंद करे और बस किस्मत अच्छी करे। दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं और साथ में चल रही थी सीमा वाजी से वीडियो कॉलिंग पे बात, तो बस यहाँ पे अभी वो कर रही हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैकी मामू आ गए हैं इनके, और वो भी मामू भी हैं, तो बस वो बेबी को खिला रहे हैं अभी। और अभी जो है मेरी दवाइयों का टाइम हो गया था, तो बस अभी यहाँ पे मैं अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अच्छे से जो है होश आ गया है, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना बार बार बंद हो रही थी, बार बार खुल रही थी, मैं सुन सब कुछ रही थी लेकिन अपने आप में ही कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। तो बाद में ये सब लोग जो है ना मेरा मजाक बना रहे थे, बोल रहे थे कि पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो बस यहाँ पे अभी एक दूसरे का मुँह में टकराया जा रहा है और अभी रात का टाइम हो गया है, मम्मी अभी मेरे साथ में रुकेंगी रात में। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे मम्मी अभी बता रही थी कि ना
ये मिल्क पाउडर है तो इसको इस तरीके से बनाना है। तो बस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे घर में बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। तो बस जो मैंने बता दिया है आप लोगों को, और कैसा लगा मेरा वीडियो बताना मुझे कमेंट करके। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।